तो आज अंचित भाई के हमारा लंच है और हम बहुत देर हो रही है, बहुत सारा काम था, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाई। मेरे मियाँ 1 घंटे से वॉशरूम में है, मुझे भी नहाना है, तैयार होना है। आज मैंने ऑयलिंग भी कर ली थी तो शैम्पू वैम्पू के साथ तैयार होना है। तो कुकी का तो मैं सारे कपड़े वपड़े दे आई हूँ उसकी दादी को, वो उसे तैयार करेंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ, डे है तो कुछ लाइट पहनना चाहिए। तो मेरा एक मारिया बी का सूट है जो खुद हमें मारिया बी ने भेजा था उनके कलेक्शन से, तो मैं ये सूट पहनूंगी। ये है मेरा जोड़ा। ये मैडम दादी को परेशान कर कर के तैयार हो रही हैं। शूज मैचिंग हैं, बस थोड़े से बड़े हैं। रेडी हो गए हम, बेबी कुकी भी रेडी हो गई है। स्वेटर थोड़ा सा बड़ा है, निकलते निकलते डायपर गंदा कर दिया तो डायपर चेंज होने में टाइम लगा। हेयर बैंड जुल्फे रोकने के लिए लग चुका है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने दिवाली व्लॉग की जो वीडियो है वो बहुत बार पोस्ट करी। एक बार पहली बार वो अनएडिटेड चल गई थी, तो वो मैंने एकदम से देखा रही इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें एडिटिंग नहीं हुई हुई थी, वो गलत पोस्ट हो गई। फिर मैंने उसे डिलीट करी। एक बार मैंने उसे दोबारा पोस्ट की बहुत अच्छे से एडिट करके, तो वो फिर से नहीं पोस्ट हो पाई। और एक ही रात पहले मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी अपने फ़ोन में जगह करने के लिए। तो बहुत सारे क्यूट क्यूट जो मोमेंट्स थे, अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे जो अंचित भाई जर्मनी से उसके लिए गिफ्ट लाए थे कुकी के लिए, वो मैं नहीं डाल पाई। बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने फिर भी देखी, फिर भी लाइक करी, फिर भी इंजॉय करी। एक बार फिर वापस से जाके देख लीजिएगा और कॉमेंट कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती थोड़ा ये मामू ऑन ड्यूटी, डैडी टू बी फुल तैयार हैं टू लुक आफ्टर हिज लिटिल वन। आप क्या रीड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कहाँ टैप करो तो क्या फील होता है? उसको यहाँ बम पे उसके लिए पैट करो तो उसको फील होगा कि उसको अपनी वहाँ पे है। क्या लगता है अनम आपको, ये कितना आप तैयार हैं टू बी अ फादर? ही इज मोर देन रेडी टू बी अ फादर। मोर इसको सारी वीडियोस देख देख के पता चल गया बेबी को कहाँ पे पैट करना है, कहाँ से बेबी को फील होगा अच्छा, है ना? और क्या क्या पता चला आपको? बहुत देर से आपको हैंडल कर रहे हैं और हम बड़े आराम से बैठे हुए हैं इनके साथ। एक से एक नैनी, एक से एक नैनी मिली है मुझे। तुम्हें चाहिए था जाना, एक बार सुनना तुम ईमानदारी की। मैं तो इसकी वजह से नहीं गया कि घर में कोई है नहीं। हाँ तो तुम तो बहुत बड़े हो ना दारा सिंह, तुम तो अपने घर गए। तुमने पूरे दिन कैसे हो? बड़े लोगों के बड़े बड़े खर्चे, महंगे महंगे रिबन, छोटी बिंदी करती है हर सुबह शाम देना वहाँ। हेलो नानी और ड्यूटी मुझे, लिफाफा क्यों नहीं ले रही हो आप? पैसा जहाँ से आया खींच रहा है भैया, इनके पास कहाँ से आई पैसा? ये लोगों को स्कीम बता बता के कि मेरे दिन में डबल, रात को चौक में सारे के सारे फ्रॉड वाली फ्रॉड। आओ जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी मैं ही करा लूंगा ना भूख। खाने में जूस, मक्खन और कटलेट। आओ जल्दी। तो क्या आप यहाँ हो, आपको लग रहा है कि लड़कियाँ किचन संभाल पा रही हैं? इतनी देर से एक पराठा नहीं आया है, आपको क्या लगता है मीगर भाई? तुम भी हो जो है इस बेइज्जती के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम किसी को नहीं कह सकती बहू ये है मेरी, मैं बहू को नहीं कह सकती, मैं बेटियों को नहीं कह सकती, बहू को भी नहीं कह सकती। ये बात आपकी सही रही, सही है। बहू कहने नहीं है सहारनपुर है यहाँ पे नहीं आपका। ये मेरी डियरेस्ट मम्मी के जाते ही पराठे बैक टू बैक आने लगे,
मैं किचन में देख के आती हूँ क्या चल रहा है। क्या कर रही हो तुम दोनों? पराठे क्यों नहीं आ रहे? बहुत जबरदस्त। जैसे ही फरजाना वहां पहुंचे ना, अंजित भैया फरजाना को हाथ में देखे और बोले फरजाना कौन सा है? गोभी का भैया। फरजाना कौन सा है? आलू का भैया। मैंने कहा वहां से कहती भी आना आलू का ये गोभी का। मैंने मम्मी को चढ़ा दिया। मैंने बोला जब आप नहीं जा रही हो ना, एक पराठा नहीं बन के आ रहा है। उठ के गई फौरन। मैं देखती हूँ क्यों नहीं बन रहा। आपने अच्छे अच्छे ढाबों को फेल कर दिया। कसम से कैसे बना रही हो आप? मैंने ना, मुझे याद था, मैंने याद है एक बार मैंने फोन किया था। हाँ। और मैंने तुझे बताया, तुमने कहा दीदी क्या बनाया है, मैंने मम्मी के पराठे। हाँ। तो तुमने कहा दीदी चल पैक करके ले आना। हाँ। खाई पनीर की भुर्जी, आलू का मसाला, मूली का, गोभी, आलू। दीदी आपने सारे ढाबे को फेल कर दिया। और ये मेरी असिस्टेंट सारी किचन गंदी होगी तेरे व्लॉग में आएगा क्या? नहीं कोई नहीं आएंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स रेसिपी मांगेंगे। दीदी रेसिपी चाहिए तुम्हें 4 दिन से। फरजाना एक नोट तुम पे उड़ा दूंगी। देख रही है मेरे पैसे ले लिए। ये अपनी माँ की बेटी पैसों से खुश होती हुई लिफाफे को जकड़ के रखा है मेरी बच्ची ने। 5-7 साल कैसे गए? हाँ। जब मैं मंदिर में बैठी थी ना। हाँ। तो आज मैं घर पे आया। हाँ। और वो तो मेरे पास गया भी नहीं। हाँ। आके कहने लगा कि वो दादी और देखो जानी नानी जो है मंदिर में नाच रही थी और ऐसे कर करके नाच रही। नाच के भी दिखा रहा था कैसे मैं है ना। और फिर जब वो नाच खत्म हो गया तो नानी ऐसे कभी देख तो कर लिया। पूजा दीदी दोबारा से बताओ फुल स्लीव्स क्यों पहनती हो? देख हम फुल स्लीव्स पहनते हैं ना। हाँ। हमें शुरू से पसंद है। हाँ। ठीक है ना। तो हम टेलर के पास गए तो हमने कहा कि भाई हमारी जो है स्लीव्स जो है वो फुल बनाना। हाँ। ठीक है। तब भी उसने कहा कि नहीं इतनी बनेगी। हमने कहा नहीं फुल बनाना। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे बनवाओ ना दीदी, यहाँ तक बनवाओ मेगा स्लीव्स कैप स्लीव्स ये। तो हमने कहा नहीं हमें वजू करनी होती है भैया, हमें दिक्कत होती है। तो हमें देख के हंसने लगा वो। तो पार्लर ने भी कहा कि भैया हमें वजू करनी होती है, हमें दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। मेरे दुनिया वालों को भी खुदाफिस कर दिए। बाय बाय दीदी। खा के पी के मजे मजे की किस्से सुन के मम्मी और दीदी के अब हम जा रहे हैं मोनिस के घर। मैं स्मार्ट और हैंडसम नानी खराब कर दूं। सबसे प्यारी नानी ऐसे लोग ढूंढते हैं कि ऐसी नानी लोगों को मिले पर मिलती नहीं है लोगों को। मैं जब भी मम्मी के आओ हमेशा कुछ ना कुछ सामान भर के देती हैं, कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती। और मोनिस और अनम जल्दी चले गए थे तो अब हम डिनर उनके घर जाके करेंगे। और ये हम पहुंच गए हैं मोनिस के घर, हसीन तरीन मामी के रूम में मुस्कुराती हुई। ये है कुकी की बेस्ट फ्रेंड अलाया बेबी। हमने फिलहाल इन दोनों को बेस्ट फ्रेंड्स बना दिया। अब आगे जाके पता चलेगा इनकी पटेगी नहीं पटेगी। अलाया कुकी से ठीक 1.5 महीने बड़ी है। वो 16 जून है, कुकी 29 जुलाई। तो मॉमी टू बी अनम ने बहुत सारे होने वाले बेबी के लिए कपड़े खरीद लिए हैं। अभी जेंडर नहीं पता है तो जेंडर न्यूट्रल कलर्स लिए हैं, पर बेबी गर्ल के बहुत क्यूट कपड़े होते हैं बेबी बॉयज़ से। अभी पराठे हजम भी नहीं हुए कि मैं दूसरे की तलाश में आ गई कि क्या बन रहा है डिनर में। भाभी ने जबरदस्त रायता इसमें निकाला हुआ है। अपनी भाभी की कोई मदद ना करते हुए यहाँ फालतू ब्लॉगिंग करते हुए मैं बराबर से अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। भाभी जान आपको मदद की जरूरत है? नहीं बिल्कुल नहीं, सब काम हो गया, तुम बस खाना खा लो। ठीक है अब आप इतना कह ही रही हैं तो मतलब रोटी के। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इतना
अब आ गया है घर पे कोई गेस्ट, तो हम जल्दी जल्दी खाना खा के आ चुके हैं। बट नैनी साथ में है, हैंडसम नैनी। नैनी इज ऑल्सो ड्राइवर नाउ। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर की बच्ची है। भाई मुझे जबरदस्ती मिंट खिला रहे, क्यों क्यों? अब मिंट खाना जरूरी है भाई, मैं तो इसे ऑफर किया है। अभी मैंने इसे वैरायटीज ऑफ मिंट ऑफर की है, बट इसे दूसरी पसंद आई है जो इसे टेस्ट पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसी के ऊपर गई है। अब मैं किसी कुछ नहीं कर सकता। लेमन मैंने देखा नहीं था, लेमन लेमन होती तो मैं खाती नहीं। यहाँ शादी मजी का स्टोर हेयर बैंड लगा दिया से मिलना आई है मेरी सासू माँ की कजिन शालू बाजी, जिनका खुद का बड़ा ही क्यूट बेटा है माशाल्लाह। आज काफी सैड सीन हो गया, सब लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब मैं जल्दी जल्दी अपना डायमंड का एक इयररिंग और सेट डाल के लेके गई थी, मैं पहन लूंगी, फिर मैं सोचा हिजाब में दिखेगा तो है नहीं, तो मैंने उसे ऐसे डायपर बैग में डाल दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डायपर बैग में से हैंकी निकाल रही थी तो शायद उसमें वो खो गया। वैसे आप किसी को कोई चीज़ दे दो अफसोस नहीं होता, बट ऐसी कोई चीज़ खो जाती है तो बड़ा अफसोस होता है। अब मैंने पूरा डायपर बैग उलट पुलट कर दिया ढूंढने के लिए, मगर है नहीं कहीं। तो सारे में देखा मगर नहीं मिला इयररिंग। पूजा दीदी ने बोला है कि वो सुबह खुद झाड़ू लगाएंगी और देखेंगी, आप लोग भी दुआ करिए मिल जाए तो अच्छा है। सुना है गोल्ड खोना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, और मैंने सोचा है कि मैं थोड़े से पैसे भी दूंगी और शुक्राने की नफिल भी पढ़ूंगी अगर मिल गया तो। तो बस कल पता चलेगा मिलेगा या नहीं, अब सुबह का इंतज़ार है। बड़ी बेचैनी सी हो रही है, नींद नहीं आ रही।